चाइना में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में वायरस से प्रभावित दो संदिग्ध मिलने की खबर है और ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने वायरस को लेकर एहतियात बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग को इससे जुड़ी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ऋषिकेश और प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों की भारी आमद है, जिसको लेकर पर्यटन विभाग वायरस प्रभावित संदिग्धों के उत्तराखंड में प्रवेश को लेकर चिंतित है। शायद यही वजह है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य सचिव नितेश झा को पत्र लिखकर वायरस को लेकर सचेत रहने के निर्देश जारी किए हैं। और इसी बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, कोरोना वायरस का अलर्ट जो है वो यूपी उत्तराखंड में जारी किया गया है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की जो माहौल है वो देखा जा रहा है, किस तरह से अलर्ट का असर? देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और उसमें साफ निर्देश दिया था, आदेश जारी किया था कि प्रदेश के जितने भी जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और दूसरे प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां सभी जगह पे जांच की व्यवस्था की जाए और जो संदिग्ध मरीज हैं उनकी भी जाँच कराई जाए। साथ ही जो प्रदेश के एयरपोर्ट हैं और पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर भी जाँच की व्यवस्था के आदेश उन्होंने दे दिए हैं और इसके लिए अलग से बेड की भी व्यवस्था की गई है, अलग से डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है और पैथोलॉजी में जांच की सुविधा के लिए वहां पर पैथोलॉजी में भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई बुखार से या वायरस से पीड़ित आए तो उसकी जांच कराई जाए और इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग के संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को दी जाए और सरकार को भी इसकी जानकारी दी जाए। उत्तर प्रदेश में अलर्ट को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और विभाग पहले से ही अलर्ट पे थे, लेकिन कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर सीधे आदेश दे दिया है कि सभी अस्पतालों में व्यवस्था कराई जाए, जिसको देखते हुए हर अस्पताल में अलग से बेड की व्यवस्था की गई है, वार्डों की व्यवस्था की गई है और जांच टीमों को अलग से डिप्यूट कर दिया गया है कि अगर कोई बीमार आता है, जिसको वायरस है या बैक्टीरिया कोई बीमार आता है तो उसकी जांच कर उसका अलग से इलाज किया जाए और जैसे ही संदिग्ध वायरस की पहचान हो। और नरेंद्र, गंभीरता इसी चीज से जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, ना सिर्फ अस्पतालों में बल्कि मेडिकल कॉलेजेस में भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन बेड के इंतजाम, वार्ड बनाने की जो हिदायत है वो योगी सरकार की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, हिदायत दी गई है और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन बेड और वार्ड की व्यवस्था कर दी गई है, अलग से टीमें भी लगा दी गई हैं। अगर अमौसी एयरपोर्ट की बात की जाए, बनारस एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर टीमें आज पहुंच चुकी हैं। अगर कोई विदेश से आता है, चाइना से आता है तो उसकी जांच की जाएगी, जांच करने के बाद ही उसको वहां से रवाना किया जाएगा और इसके बाद यहां पे डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है जिसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। इसको लेकर भी अलर्ट है क्योंकि राजधानी लखनऊ में कई दिनों तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो में तमाम लोग हिस्सा लेंगे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे, विदेश से लोग आएंगे। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बैठक करनी पड़ी और निर्देश और आदेश जारी करने पड़े। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो सीएमओ की तरफ से राजधानी लखनऊ में भी संबंधित अस्पतालों को अलर्ट भेजा जा चुका है और आज टीएमओ की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कहां कहां पे जांच की सुविधाएं हैं और कौन कौन से डॉक्टर इसमें डिप्यूट किए गए हैं। बकायदा टीमें बनाने के भी आदेश दे दिए गए हैं सीएमओ की तरफ से, तो आज टीमें बन गई हैं और उसकी अगर कोई वायरस से पीड़ित आता है तो उसकी जांच की जाएगी, जांच करने के बाद सीधे डीजी हेल्थ को इसकी सूचना दी जाएगी और प्रदेश सरकार के पास इसकी तुरंत सूचना पहुंचेगी जिससे कारगर कदम उठाया जा सके और कोरोना वायरस को उत्तर प्रदेश में फैलने से रोका जा सके। जी बिल्कुल नरेंद्र, और इसी के चलते एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जो है वो योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती के भी निर्देश यहाँ पर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे संदिग्ध यहाँ पर मामले सामने आए, क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो दो मामले सामने आ चुके हैं जिसमें वायरस की आशंका जताई गई है, तो क्या यहाँ पर भी इस तरह की कोई मामला?
देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से पीड़ित किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं हुई है। हालांकि जांचें कई दिनों पहले से ही शुरू कर दी गई थी और जांचें चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कोई उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ही सीएम ने कल बैठक की थी और आदेश जारी किए गए हैं। लगातार अब मॉनिटरिंग होगी और जो पेशेंट होंगे उनकी जांच की जाएगी और इस संदेह के साथ जांच की जाएगी कहीं इस व्यक्ति को कोरोना वायरस तो नहीं है। अगर वो विदेश से आता है, अगर वो विदेशी पर्यटक है, उस पर खास निगाह बना के रखी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर कोई पीड़ित होता है, बुखार से परेशान होता है, तो उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश अभी तक सुरक्षित है, यहाँ पर कोरोना वायरस का बिल्कुल कोई नरेंद्र लौटूंगी मैं आपके पास, आप बने रही है। और इसी बीच हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत कांबोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार जो है कोरोना वायरस का जो अलर्ट है वो यूपी और उत्तराखंड दोनों में ही जारी किया गया है सरकारों की तरफ से। अगर देहरादून की बात करें तो वहां पर किस तरह का असर इस अलर्ट का देखने को मिल रहा है? तो पर्यटक प्रदेश उत्तराखंड और यहाँ पर भी कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीते रोज ही स्वास्थ्य महानिदेशक ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दोनों ही जो मुख्य एयरपोर्ट हैं उत्तराखंड के, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और उधम सिंह नगर का पंत नगर एयरपोर्ट, दोनों पर ही हाई अलर्ट किया गया है। और किसी भी तरह का पैसेंजर अगर कफ और फीवर जैसी सामान्य बीमारी के साथ भी लैंडिंग करता है तो उसको वहीं पर रोकने के आदेश दिए गए हैं, उपचार कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड से लगते हुए नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर है वहां पर भी आवाजाही पर कुछ हद तक रोक लगा दी गई है और पूरा स्क्रीनिंग के बाद ही किसी भी पैसेंजर को इधर से उधर आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो सभी स्थानों पर किए गए हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं सभी पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरह के जो पैसेंजर्स हैं या यात्री यहाँ पर आते हैं उनको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसकी तुरंत वहाँ पर मेडिकल किया जा रहा है। इस तरह के दिशा निर्देश डीजी हेल्थ की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा शासन स्तर पर खुद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बीते रोज देर शाम को बैठक की है जिसमें डीजीपी उत्तराखंड भी मौजूद थे और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं शासन प्रशासन के वो इस बैठक में मौजूद थे। कोरोना वायरस को लेकर शासन स्तर से भी ऑर्डर जारी किया। बिल्कुल अजीत, जब इस तरह के जो निर्देश है, इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है तो लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो बनने लगता है। हालांकि आपसे जानना चाहेंगे कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो क्या है और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है ताकि उनमें कोई डर ना बने, क्योंकि जो थोड़ी सी शिकायत लोग अस्पतालों का रुख करने लगते हैं ऐसे अलर्ट के बाद। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर हाई अलर्ट जरूर किया गया है, लेकिन बॉर्डर एरियाज और केवल एयरपोर्ट पर इस तरह का अलर्ट अभी जारी किया गया है। सामान्य अस्पताल या जनता के बीच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। और अगर सामान्य तौर पर इसके लक्षण की बात की जाए तो उत्तराखंड में कफ और फीवर जैसी अगर सामान्य बीमारी भी किसी को होती है, संबंधित एयरपोर्ट या बॉर्डर एरिया पर कोई इस बीमारी या कफ फीवर से दिखता हुआ नजर आता है तो उसको लेकर अलर्ट किया गया है, तुरंत उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, पूरी टीमें वहां पर लगाई गई हैं और किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पुलिस को भी वहां पर तैनात किया गया है। तो लक्षण की अगर बात की जाए तो सिंपल से कफ और फीवर पर भी यहां पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो उनको तुरंत मेडिकल किया जाता है। फिलहाल अभी उत्तराखंड में इस तरह का कोई भी पेशेंट या मरीज सामने नहीं आया, हालांकि हाई अलर्ट है तमाम बॉर्डर एरिया और एयरपोर्ट पर, तो इसके बाद जो भी स्थिति होगी फिलहाल सामान्य है लेकिन हाई अलर्ट पर जरूर है। बिल्कुल अजीत, लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र यादव भी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, आपने सुना होगा यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अजीत लगातार बता रहे हैं कि इस तरह के लक्षण लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो वहां पर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? कोरोना वायरस की का समाचार काफ़ी समय से आ रहा है, लोगों ने इसको समाचार माध्यमों के से भी जानकारी मिली है, लेकिन अगर बात की जाए कोरोना वायरस की तो साफ है कि ये चाइना से है वायरस और अगर चाइना से लोग आते हैं, वहां से कोई यात्री यहां पर आता है तभी उसके फैलने की आशंका है। तो जो फोकस किया जा रहा है विदेशी सैलानियों पर किया जा रहा है और उन टूरिस्ट पर किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, इसी के चलते एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया है कि अगर एयरपोर्ट पे कोई व्यक्ति विदेश से आता है, चाइना की यात्रा करके आता है या चाइनीज आता है, तो
तो उसकी पहचान की जाए और वीजा पासपोर्ट देखकर भी पहचान हो जाएगी कि आखिर वो कितने दिनों के लिए और किस यात्रा के मकसद से आया है। तो अगर चाइनीज आता है तो उसकी जांच की जाएगी, अगर चाइना से कोई लौट कर यात्रा करके आता है तो उत्तर प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पे जांच की जाएगी। नेपाल का बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर निकलता है, वहाँ पर अलर्ट काफ़ी जारी किया गया है, उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि जो चाइना से होकर यात्री भारत में प्रवेश करते हैं यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं वहाँ पर सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नेपाल के लोग सीधे इंडिया में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ चौकन्ना किया गया है, अधिकारी वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई चाइनीज या तिब्बत का विदेशी तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर रहा है। इसको लेकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जिले हैं महाराजगंज, यहाँ पर अलर्ट किया गया है कि नेपाल के रास्ते से कोई पैदल या सवारी कार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश न करने पाए, जो चाइना से आया हो या कोई विदेशी हो, अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनकी मेडिकल जांच की जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उनको वहां से उत्तर प्रदेश में विचरण के लिए और आने जाने की उनको अनुमति होगी। तो इस तरीके से साफ है कि कोरोना वायरस जो है चाइना का है और चाइना से आने वाले लोग या विदेशी लोगों में ही इसके होने की संभावना है। और तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। नरेंद्र अजीत, दोनों आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार जो हमारे संवाददाता है वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यूपी और उत्तराखंड में इस वायरस को लेकर अलर्ट है और किस तरह का असर भी इस अलर्ट को लेकर देखा जा रहा है। तो कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में यह अलर्ट है और अब तक 80 लोगों की वायरस से मौत भी हो चुकी है। तो चीन में वायरस की शुरुआत हुई और लिहाजा यहां मरीजों की संख्या भी ज्यादा है, पूरे चीन में अलर्ट है और कई टीमें लगी हैं और इसकी रोकथाम के लिए, लेकिन लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए चीन ने 6 दिनों में कोरोना वायरस से पीड़ितों के लिए 1000 बेड का अस्पताल खड़ा कर दिया है, तो जिसके लिए रात दिन काम किया जा रहा है। शनिवार की रात शहर के कैडियन जिले में जमीन के एक टुकड़े पर इसके लिए काम शुरू कर दिया गया। इस जमीन पर ट्रक और खुदाई करने वाली सारी मशीनें जमा कर काम शुरू किया गया, जहां 200 से ज्यादा लोग यहां पूरे जोश के साथ काम करने में जुटे। वहीं राज्य के ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने इसकी एक फुटेज भी जारी की है। बता दें कि इससे पहले साल 2003 में सार्स वायरस से यहां 800 लोगों की मौत हुई थी और उस वक्त बीजिंग में 7 दिनों में यह अस्पताल बनाया गया था। तो ये आपको कवायद दिखा रहे हैं कि चाइना में किस तरह से इस वायरस से निपटने के लिए तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया है कि चाइना में भी इस वायरस को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है, लेकिन यूपी, उत्तराखंड और दुनिया भर में इसका अलर्ट जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। नरेंद्र, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अजीत मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी जो है सतर्कता बरतने की बात यहां पर कही जा रही है। अगर देहरादून की बात करें तो वहां पर किस तरह की सतर्कता एयरपोर्ट पर? राजधानी देहरादून की बात की जाए तो सबसे जो मुख्य एयरपोर्ट है वो राजधानी देहरादून का ही है और उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए इसी को सबसे मुफीद माना जाता है। हालांकि यहाँ पर अलर्ट बीते रोज ही जारी कर दिया गया था। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती है, उन्होंने खुद कमान संभाली हुई है, मुख्य सचिव शासन से भी ऑर्डर जारी किए जा चुके, तो ऐसे में अलर्ट काफी गंभीरता से यहाँ पर पूरा भी किया जा रहा है। तमाम मेडिकल्स की जो टीमें हैं वो वहाँ पर अलर्ट रखी गई हैं और जिस तरह से कोई भी विदेशी पर्यटक आता है तो उसका खासतौर पर परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी हल्की बीमारी से ग्रसित भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो उसकी भी जाँच परख पूरी तरह से एयरपोर्ट पर की जा रही है और जिस तरह से जो इसमें बातें सामने आई है कि एक निमोनिया जैसी ये बीमारी के लक्षण होते हैं और इस तरह के हालात में भी अगर कुछ होता तो कोरोना वायरस से संबंधित हो सकता है, तो ऐसे में पुलिस और तमाम जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं मेडिकल टीमों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और हल्की सी छींक बुखार जैसी शिकायत पर भी यहाँ पर तुरंत उसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि अभी उत्तराखंड में इस तरह का कोई पेशेंट सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन उत्तराखंड के जितने भी प्रवेश या बॉर्डर एरियाज हैं सभी पर मेडिकल टीमें पूरी तरह से अलर्ट रखी गई हैं। बिल्कुल अजीत, बने रहिए। नरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो अलर्ट जारी किया है उस लिहाज से यहाँ पर एहतियात के तौर पर कदम भी उठाए जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेजेस में भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाने की कवायद जारी, ताकि जो लोग अगर इस वायरस से संदिग्ध है पाए गए तो उनको तुरंत जांच के लिए भेजा जा सके। लेकिन अगर बात करें यहां पर इतनी गंभीरता, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश जो है वो यहां पर की जाएगी, तो गंभीरता तो है ही और इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ साथ सरकार के सामने चुनौती जरूर।
बिल्कुल सरकार के सामने चुनौती है कि जो विदेश से आ रहे हैं या दूसरे बड़े महानगरों में विदेश से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं और उसके बाद बाई ट्रेन उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं और यहां पर उनका आवास है या टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि उनकी पहचान करना और उनकी जाँच करना। इसीलिए प्रदेश सरकार ने जो अलर्ट जारी किया है उसको एयरपोर्ट पर किया है और उसके बाद सभी अस्पतालों को भी अलर्ट भेजा जा चुका है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अगर जिला अस्पताल में भी कोई मरीज आता है जिसको वायरस की आशंका है तो उसको कोरोना वायरस के नज़र से देखा जाए और उसकी जांच की जाए और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। इस मॉनिटरिंग में उच्च अधिकारियों को भी संलिप्त किया गया है, उनकी भी जवाबदेही तय की गई है और इसकी मॉनिटरिंग हर दिन की जाएगी, हर घंटे की जाएगी। जैसे ही कोई सूचना आती है तो उसके लिए उचित कदम उठाया जाएगा, उसको सेपरेट वार्ड में रख के इलाज किया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जो बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं या देश के कोने कोने से लोग आते हैं उनकी जांच करना, उनकी पहचान करना। हालांकि अस्पतालों में ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई बीमार होता है, वायरस से पीड़ित होता है, अगर अस्पताल तक वो पहुंचता है उसकी जांच की जाएगी और वायरस का पता लग जाएगा और कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने इसको समय पर ही कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की उसमें तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे, तो साफ आदेश दे दिया है कि प्रदेश में वायरस के फैलाव को रोका जाए, चाहे जैसे रोका जाए, जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएं, अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था की जाए, पैथोलॉजी और जांच की टीमें गठित की जाए और डॉक्टरों की एक टीम अलग से गठित की जाए, जो विदेशी आ रहे हैं या वायरस से पीड़ित आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए, परीक्षण कराया जाए और उसका इलाज किया जाए। और इसके लिए एक बड़ा सूचना तंत्र भी उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है, वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी चलिए नरेंद्र, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रख लिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत के पास हम चलते हैं। अजीत, लगातार गंभीरता जो है वो सरकार दिखा रही है, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की बात हो रही है और लोगों के लिए कदम भी जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इसका असर पर्यटन पर पड़ रहा है? उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरह से पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड है और यहाँ पर काफी आवाजाही भी रहती है पर्यटकों की, हालांकि अभी जिस तरह से बरसात के मौसम चल रहा है यहाँ पर लगातार बारिशें जारी हैं, पर्यटकों की आवाजाही थोड़ा कम जरूर हुई है, लेकिन बर्फबारी देखने के लिए काफी संख्या में अन्य प्रदेशों के पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इस समय एहतियातन शासन स्तर से लगातार ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं और बीते रोज भी जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें तमाम तरह के जो बॉर्डर एरियाज हैं और उत्तराखंड के दोनों जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं दोनों पर ही आइसोलेशन बेड्स बढ़ाने की यहां पर एक ऑर्डर जारी किए गए हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तराखंड के जितने भी संबंधित बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो चंपावत का बनबसा टनकपुर हो, पिथौरागढ़ का धारचूरा, बलवाकोट, जौलजीवी हो, झूलाघाट नैनीसैनी एयरपोर्ट हो या उधमसिंह नगर में खटीमा पंतनगर एयरपोर्ट हो, सभी पर एम्बुलेंस के साथ साथ मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है और खुद मुख्य सचिव लगातार मॉनिटर कर रहे हैं तमाम चीजों को। स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं, उसके साथ साथ जो पीएचसी होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर भी आइसोलेशन बेड्स बढ़ाने के यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि रोगियों के उपचार को लेकर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है तो अल्मोड़ा में 14, चमोली में 18, चंपावत में 16, देहरादून में 25, नैनीताल में 32, पौड़ी में 24, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 14, हरिद्वार में 12, पिथौरागढ़ में 4 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था शासन स्तर पर तैयार की गई है। ऐसे में अगर कोई भी संबंधित कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज नजर आता है, उसकी पुष्टि होती है तो उनको तत्काल वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा और जैसा कि इसमें जानकारी मिल रही है कि 10 दिनों तक वायरस का असर रहता है तो 10 दिनों तक संबंधित इलाज उनको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।